नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मीता पाठक, आपकी संस्कृत अध्यापिका होली आर्ट्स एजुकेशनल एकेडमी रायपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैं कक्षा 6वीं के लिए संस्कृत व्याकरण का टॉपिक पुरुष के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी पाठ्यपुस्तक बाल संस्कृत कणिका भाग एक में जो पाठ दिए गए हैं उसमें प्रारंभ के कुछ पाठ व्याकरण से संबंधित हैं। पुरुष या अर्थात वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, रामः विद्यालयं गच्छति। इस वाक्य में रामः शब्द पुरुष है। पुरुष के प्रकार के बारे में कहा जाता है परोक्षम समक्षम स्वयमेव च। परोक्षम अर्थात जो आँखों से परे हो, समक्षम जो आँखों के सामने होता है, स्वयमेव च जो अपने आप। परोक्षम यानी प्रथम पुरुष, समक्षम अर्थात मध्यम पुरुष, स्वयमेव अर्थात उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब। इस पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कर्ता अलग-अलग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में सह, तौ, ते। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। नपुंसक लिंग में तर, ते, तानी। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब। इसमें पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में कर्ता समान रूप से होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। इसमें लिंग के बदलने पर भी इसमें कर्ता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों, हम सब। इसमें भी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं, अहम, आवाम, वयम। इसमें भी लिंग के बदलने पर भी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे पुरुष का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग। सबसे पहले जानेंगे प्रथम पुरुष पुल्लिंग में। सः पुस्तकं पठति अर्थात वह पुस्तक पढ़ता है। तौ पुस्तकं पठतः वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। ते पुस्तकं पठन्ति वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। ये हुआ पुल्लिंग में। अब हम लोग प्रथम पुरुष में ही जानेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। सा पुस्तकं पठति वह पुस्तक पढ़ती है। ते पुस्तकं पठतः वे दोनों पुस्तक पढ़ती हैं। ता पुस्तकं पठन्ति वे सब पुस्तक पढ़ती हैं। अब नपुंसक लिंग में तत् पुस्तकं अस्ति वह पुस्तक है। ते पुस्तके स्तः वे दोनों पुस्तकें हैं। तानि पुस्तकानि सन्ति वे सब पुस्तकें हैं। अब हम लोग आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में त्वं पुस्तकं पठसि तुम पुस्तक पढ़ते हो। युवाम पुस्तकं पठतः तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। यूयं पुस्तकं पठतः तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। अब उत्तम पुरुष में अहम पुस्तकं पठामि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। आवाम पुस्तकं पठावः हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। वयम पुस्तकं पठामः हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। इस प्रकार हमने देखा पुरुष का प्रयोग हम लोग किस प्रकार संस्कृत वाक्यों में करते हैं। धन्यवाद।